आज लगाने दोगे झाड़ू क्यों लगाने दोगे? लगा ले हैं? लगा ले। ये क्या है बाबू, सुबह सुबह क्या है ये? लगाने दो, लगा लेना तो झाड़ू, मत करो शैतानी बेटा, रोज का हो गया है तुम्हारा ये। हाँ अच्छा बच्चा, अरे बाप रे बाप, अरे रे अरे रे, ये क्या है भाई, तुम्हें झाड़ू से क्या प्रॉब्लम है सुबह सुबह? अच्छा खासा क्लीनिंग कर देता तुम्हारे घर की मैं, ऐसे गंदे में बैठोगे क्या? हाँ चलो हटो, लगा देता हूँ। अरे रे गजब शैतान है ये तो। लगा लेने दो, हटो जल्दी से। गजब किया यार चीकू तुम भी कसम से। चलो ऊपर चलो कोने में, जब खा जाके वहां पर नौटंकी। अब मिल गया खाना, आप फिक्र नहीं, कुछ कुछ भी झाड़ू लगाओ या कुछ भी करो, अभी आके वापस तुम्हारे पे पानी डालेंगे, अभी रुक जाओ, अभी तुम सफाई तो करेंगे ही। हम आते हैं, अब नहीं खा रहे हो, खाओ जाके। चलो हटो, चलो हटो, चलो जल्दी हटो, बस हो गई सारी हिम्मत खत्म। क्लीनिंग का काम हो गया है, डन, गुड जॉब। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर 2.2। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 19th of April 2021 और हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना दिन। तो पूरे एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आज हम क्या कुछ करने वाले हैं वो सब कुछ देखने के बाद अगर जो आपको भी वो देख के मज़ा आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब पीते हैं गर्मा गर्म काढ़ा, आज सही टेस्ट है। गया अंदर। इसको निकाल लो। ये ऐसे ही निकलेगा बिना पानी के, बिना पानी के तो मतलब सुनता ही नहीं है। सही हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा हुआ, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। जितनी शैतानी तुम कर रहे हो ना आजकल, सही हुआ। सब लोग पानी डालो इसके ऊपर, तभी भगेगा ये। तो आज ब्रेकफास्ट में है भुनी हुई लैया और गर्मा गर्म चाय। नहा के मैं रेडी हो गया था, सोचा था आप जाके ऑफिस में बैठेंगे, लेकिन आ गया कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम, अब जाना पड़ेगा बाहर। नहाने के बाद बाहर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि बाहर जाएंगे फिर गंदे हो जाएंगे, वापस से आके फिर नहाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है जाना तो पड़ेगा। तो अभी आया हूँ सुपर मार्केट, देखिए क्या लिखा हुआ है, नो मास्क नो एंट्री। सबसे पहले कुछ सामान जो है वो ले लेते हैं चल के फटाफट। ये ले लेता हूँ पहले, नमकीन, ये शैम्पू ले लेता हूँ, ये लीजिए। तो ज़रूरी काम था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना था, तो ये मोबाइल वैन खड़ी हुई है इसी में बिल जमा कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कम रहती है, जमा कर देते हैं। तो भैया हो गया काम 25, बिल जमा हो गया। घर आया तो देखा प्रिंटर वाले भैया हमारे जो है ये बाहर वेट कर रहे थे, इनको मैंने परसों फ़ोन किया था, बोले कल तो लॉकडाउन था नहीं आ पाऊँगा, आज ये आ गए। बड़ा अच्छा काम किया भैया, बड़ा काम रुका पड़ा था आपके बिना, थैंक यू सो मच। तो सारे काम निपटाने के बाद वापस से मैंने ले लिया है शावर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो पता नहीं चलता है कहाँ पर हम क्या टच करते हैं और कहाँ पर वायरस है। तो अपनी सेफ्टी के लिए वापस आके शावर लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम खुद को सेफ रख सकें और वायरस फ्री रहें। क्या कर रहे हैं? पालक खा रहा था। अरे रे गरीब बेचारा, मजबूरी बहुत है इसके पास, खाना मिला नहीं तो मजबूरी में पालक खाना पड़ रहा है। और धनिया रखी है, अब नहीं छुएगा पालक, है ना? बोल, ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो, मारोगे क्या, ऐसे क्या देख रहे हो बताओ। इधर भी पड़ी है पालक।
ये लो खा लो खा लो खा लो, लंच करो चीकू। तुम फूल गया। ओ ये शो गया, खा चुका है ये, पालक खा लिए तो पालक पेट में तो गया है कुछ ना कुछ, थोड़ी देर में खाएगा रख दो, चलो खा लेना बाद में। क्या बना आज खाने में? जी कौन सी मूवी चल रही है? खाना आ गया है मेरा और इसमें है दाल चावल सब्जी रोटी और है चटनी, सैलड भी है साथ में। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि डीएम बाराबंकी ने जो ट्वीट किया है उसमें बताया है कि कल जो है 200 प्लस पॉजिटिव केसेस मिले हैं कोविड के, और इसी के साथ साथ टोटल जो कोविड केसेस हैं वो शहर में पहुँच चुके हैं वो 2500 के आसपास है। मतलब ये डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, क्योंकि लोग जो है वो इस कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी जो है वो ठीक हो रहे हैं। बस आप पॉजिटिविटी के साथ अपना ट्रीटमेंट करिए और ख़ुद में बेटर फील करिए। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ये बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ का हिंदी वर्जन है। इसमें एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लिखी हुई है। ये एक लड़का था, उसके फादर जो थे वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया था उन्हें, टीबी, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे और बहुत निगेटिव हो गए थे अपने स्वास्थ्य को लेकर कि अब वो ठीक नहीं होंगे। एक दिन लड़के ने क्या किया कि एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो ला के दिया उन्हें और उनसे बोला कि ये क्रॉस जो है जीसस का क्रॉस उसका टुकड़ा है, रियल क्रॉस का, और इसको आप टच करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने उसे टच किया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो पता चला बाद में कि वो जो क्रॉस का टुकड़ा जो था वो एक्चुअली एक नकली लकड़ी का टुकड़ा था, जस्ट ऐसे ही रोड से उठा के लेके आया था, लेकिन बस उनका बिलीव था, पॉजिटिविटी थी कि वो ठीक हो गए। पानी पी रहे हो क्या? पानी पी रहे हो क्या? पी लो। छोटू तुम कहाँ घूम रहे हो इधर? पी लो पी लो पानी पी लो पी लो पी लो पी लो पानी पी लो पी लो पी लो। पी लो पानी। हाँ हाँ पी लो पी लो। प्यास लगी है बच्चे को, प्यास लगी है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। पी लो पी लो पानी पी लो पी लो पानी। हाँ पी लो अच्छे से। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास एक पेट हो, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था पेट रखने का। सरप्राइजली मुझे चीकू मिल गया। अब ये मुझे गिफ्ट में मिला था तो फिर मैंने इसका रख लिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं, एडजस्ट हुआ तो ठीक है वरना वापस कर देंगे जिसने मुझे दिया है। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि मैंने आज के पहले कभी रैबिट जो है वो रखे नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको लेके तो जा रहा हूँ, अगर ये एडजस्ट हो गया मेरे साथ अब तो ठीक है, वरना मैं 10-12 दिन में इसे वापस कर जाऊँगा। लेकिन अभी इसको आए हुए मुश्किल से एक महीने हुआ है पर ये सबका दुलारा बन गया है, बहुत प्यारा बच्चा है। और इसके आने से बड़ी पॉजिटिविटी आ गई है घर के अंदर भी, लोग इसके साथ खेलते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स और इसको प्यार करते हैं। ये क्या करता है कि दिन भर तो अकेला रहता है लेकिन शाम को ये कोशिश करता है कि सबके साथ खेले। जब हम लोग वॉक करते हैं टेरेस पे तो हमारे पीछे पीछे वॉक करता है, पैरों के बीच से घुस जाएगा, अगर बैठ जाएंगे तो पैरों के पास आके पैरों को चाटना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से मेरे अंदर एक सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि मैं बाकी जो जानवर होते हैं उनको जब देखता हूँ, कोई भूखा है कोई प्यासा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है क्योंकि मुझे इसकी याद आती है और फिर मुझे उन पर बड़ी दया आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो कोई जानवर मिल जाता है भूखा तो या प्यासा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कुछ खिला सकूँ पिला सकूँ। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे अंदर इसकी वजह से, है ना चीकू? चलो भाई खाना दो हमारे चीकू को, डिनर टाइम हो गया है चीकू का हमारे। क्यों प्यारा बच्चा है ना ये? ये लीजिए खाना चीकू का। लो लो खिलाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं खा रहा। ओले ले। उसे धनिया चाहिए, धनिया चाहिए, धनिया। ए चीकू गाजर कैरेट लो। नहीं खाएगा। चलो खाना निकालो तुम लोग। आज खाने में बना है पनीर कोफ्ता और रोटियां हैं। तो आज हम चीकू को लगाने वाले हैं बिंदी, है ना?
आज चीकू बनेगा चीकी, आज चीकू बन जाएंगे चीकी। पर ये स्मार्ट है, ऐसे तो लगवाएंगे नहीं, पर हम इनसे ज्यादा स्मार्ट है। अभी देखना कैसे लगाते हैं। ओले मेरे बच्चा, ओले मेरे बच्चा, ओले मेरे बच्चा, मजा आला रे बाबू को, मजा आला बाबू को। हाँ मजा आ रहा है ये, अले वाह, अले वाह मेरे बच्चे, कितना प्यारा बच्चे। कौन बोलता बिंदी लगवाता, देखो लगवा लिया अच्छे से, अच्छे से लगवा लिया है ना, उसको बेवकूफ बना के लगाया है। क्या लंबी वाली अच्छी लगती है इसके ऊपर। हाँ भाग गए इसके पहले इनको लंबी वाली बिंदी लगे तो। लो आ गया प्यार भाई किसी का, आ जाओ आ जाओ। लगता है थक गया है बहुत, है ना, आराम करने दो इसे। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।